सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द जस्ट नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू एज पर जस्ट योर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के अलावा हमें यहां और कोई काम नहीं है। इस चैनल का मेन मोटो यही है कि आप लोगों की केमिस्ट्री मेरे साथ बनाना, मेरी आपके साथ बनाना, और पर्टिकुलर केमिस्ट्री जब स्ट्रांग हो जाए तो आगे कूच कर जाना, क्योंकि अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, नो डाउट एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलते चलते भी एक दिन मंजिल को हासिल कर लेगा, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग एरोप्लेन की कुछ इसी टाइप से होती है। अगर इस टाइप से होती है तो नो डाउट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी सीक्वेंस में आगे आज बात करना चाहूंगा एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरेन। हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरेन। अब ये चैप्टर धीरे 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 कंप्लीशन की ओर जा रहा है, तो इसी सीक्वेंस में आपसे बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरेन्स बोले तो ARX। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो सबसे पहले नो डाउट ये भी हेलोएरेन भी हेलोएल्केन की तरह कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दीज आर एज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरेन। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास में जिनको हम जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, SN reactions। नंबर टू आपके पास में आता है जस्ट योर इलेक्ट्रोफिलिक, ये एक अलग टॉपिक है आपके पास में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में आती है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में हेलोएरेन के रिगार्डिंग। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जिनको हम आमतौर पे SN रिएक्शंस भी कहते हैं, SN रिएक्शंस। जब बात करें हम हेलोएल्केन और हेलोएरेन की तो नो डाउट हेलोएरेन आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और यू कैन से SN रिएक्शंस। यानी कि हेलोएरेन जो है हेलोएल्केन की कंपेयर में लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां हेलोएल्केन इजी वे में दे देते हैं वहां हेलोएरेन नहीं दे पाते हैं। रीजन क्या है? देर आर फॉलोइंग रीजंस। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि हेलोएरेन हेलोएल्केन की कंपेयर में लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं SN रिएक्शन के लोग, सो फर्स्ट फैक्टर आता आपके पास में रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे साथ, नंबर वन फैक्टर। नंबर टू फैक्टर, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और एक एप्लीकेबल फैक्टर है। सेकंड फैक्टर बात करूं तो डिफरेंस इन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इन व्हाट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। NCERT केवल तीन फैक्टर को फॉलो करती है। हम यहां
फाइव फैक्टर्स लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा आपको, आप किसी फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आती है आपके पास में पोलैरिटी का फैक्टर, और पोलैरिटी क्या है आपके पास में, पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड कह सकते हैं आप लोग, जो कि पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोलैरिटी। आप डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, हैलोजन बॉन्ड। फोर्थ फैक्टर आता है आपके पास में अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल, फिनाइल, और यहां एक बात और करना चाहेंगे आपके साथ में, विनाइल कार्बो कैटायन, विनाइल कार्बो कैटायन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी एनसीईआरटी नंबर वन फैक्टर को फॉलो करती है, नंबर टू फैक्टर को फॉलो करती है, और नंबर थ्री फैक्टर को फॉलो करती है, बट हम दो फैक्टर नए अप्लाई कर रहे हैं, वन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड अनदर इज योर फिफ्थ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, रिपल्शन, दीज आर द फाइव फैक्टर विच इंफ्लुएंसेस टू द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोएरिन। तो यहां हम एक वर्ड और लगा दें, हैलोएरिन एंड, हैलोएरिन एंड, जस्ट अ मिनट, हैलो हैलोएरिन एंड विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हम अगर यहां बात करें तो रिएक्टिविटी के लिए, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो आपके पास में आता है हेलो एल्केन, और ये आता आपके पास में हेलो एरिन और विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होंगे। रीजन आपके पास में है फाइव रीजन, सबसे पहले बात करूंगा रेजोनेंस इफेक्ट की, सो दिस इज द रेजोनेंस इफेक्ट। पर्टिकुलर यहां बात करें हम तो हेलो एल्केन, इसको हम आप RCS2X की फॉर्म में भी ले सकते हैं, यहां ये वाला समूह, ये वाला ग्रुप पर्टिकुलर किसी भी टाइप का कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करता है, सो दिस इज नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, बट इफ आई गो विद द जस्ट हेलो एरिन और विनाइल हैलाइड, दिस इज द हेलो एरिन एंड दिस इज द विनाइल हैलाइड, देन दे एग्जिस्ट रेजोनेंस, बट हेलो एरिन एंड विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एग्जिस्ट रेजोनेंस, रेजोनेंस हाउ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, सी द एंटायर मैटर। It's too important for you all, so be serious regarding to it. इसी सीक्वेंस में बात करें हम पर्टिकुलर रेजोनेंस की, then let's see what is the important thing. First factor, resonance effect. If I go with the haloarine, this is the haloarine. Particular haloarine में अगर बात करूं, halogen atom assume कर लिया आपने, और आप सबको मालूम है
हाइड्रोजन एटम के आउटरमोस्ट सेल में पर्टिकुलर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि 3 तो लोन पेयर और एक शेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। इसका नेक्स्ट फैक्टर बात करें तो ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करें तो ये पाई लोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वैलेंसी ऑफ कार्बन मे नॉट एज अ 5। सो द नेक्स्ट पोजिशन विल बी योर एज फॉलोज। Here will your X, lone pair will be 2, donate कर रहा है, that's why it will be positive charge, double bond आ जाएगा, ये electron दे रहा है, तो यहाँ positive और यहाँ negative charge होगा, कुछ इस type से, तो next position आपके पास में second ये वाली होगी, next position में ये electron donate करे यहाँ, तो इसका shifting कुछ इस type से होगा, shifting हुआ तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड दिस इज द एक्स और ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पोजीशन में अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करे तो यहाँ शिफ्ट करेगा कुछ इस टाइप से, ये आपके पास में आ गया पर्टिकुलर एक्स डबल बॉन्ड के साथ पर्टिकुलर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड हियर इज द नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पोजीशन को डिस्कस करें तो ये अपना यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ वापस शिफ्ट, प्लस माइनस कैंसिल, इनिशियल के सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाएगा एक्स, 3 लोन पेयर और ये डबल बोन। ये आता आपके पास में फिफ्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये आता है फोर्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये तो थी बात हैलोजन। इन विनाइल हैलाइड, अगर विनाइल हैलाइड की बात कर लें तो वहां भी हैलोजन के आउटरमोस्ट सेल में कुछ इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर की फॉर्म में है। ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा कुछ इस टाइप से, तो ये शिफ्ट कर जाएगा यूं, तो ये हो गया आपके पास में CH2, ये आ गया CH, ये X लोन पे 3 से 2 रह जाएगा, चार्ज पॉजिटिव दे रहा है इसलिए डोनेट कर रहा है, सो हियर विल डबल बॉन्ड एंड हियर विल नेगेटिव चार्ज, वैलेंसीज फॉर द ईच एंड एवरी इज ओके, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। सो हम क्या कह सकते हैं सर, फ्रॉम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर of haloarene and vinyl halide, it is clear that CH bond of haloarene and vinyl halide gets partial double bond character। इसीलिए पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को या हेलो एल्केन के CH बॉन्ड की कंपेयर में डिसोसिएट करना इजी नहीं होता, रेजोनेंस के कारण से CH बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करना नॉर्मल वे में इजी नहीं होता एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हेलो एल्केन एसन रिएक्शन फास्टर देते हैं जबकि हेलोरिन और विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई हेलोरिन ARX एंड CH2 डबल बॉन्ड CHX विनाइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स SN रिएक्शंस। ये था आपके पास में फर्स्ट फैक्टर एज अ रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर करें।
इसी सीक्वेंस में बात करें सेकंड फैक्टर की, दैट इज योर यू कैन से डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम. इट्स टू इंपॉर्टेंट. दिस इज योर डिफरेंस, डिफरेंस इन difference in hybridization, hybridization state of carbon atom, state of carbon atom. Haloarine ek taraf aur vinyl halide dusri taraf haloalkane. If I go with the haloarine, yahan vinyl halide bhi le sakte hain hum log. CH2X, this is the X double bond, this is the haloarine, haloarine, this is the vinyl halide, vinyl halide, and in front of it there is R, CH2 and X, haloalkane. This is the haloalkane. Particular baat kare to hum previous videos mein baat kar chuke hain ki haloarine mein ये जो कार्बन एटम है पर्टिकुलर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, व्हाइल दिस कार्बन एटम एग्जिस्ट इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट. sp3 एंड sp2, एंड रिमेंबर वन थिंग, sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.33% होंगे. वहीं पर sp3 में आपके पास में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जस्ट 25% होगा. उससे फायदा क्या होगा, जब पीरियोडिसिटी में आप लोग पढ़ चुके कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी. सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम इज मोर then this carbon atom. This is less electronegative. जब ये less electronegative होगा तो bond length इसकी ज्यादा होगी, more electronegative होगा तो इसकी bond length कम होगी. What is the value of bond length? यहां particular होगा आपके पास में 167 picometer in haloarine. Haloarine and haloalkane की regarding बात करें तो then it will be 177 picometer. This is the picometer. तो पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा है, इसका डिसोसिएशन फास्ट होगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसका डिसोसिएशन स्लो रेट से होगा, वेरी स्लो रेट से. दैट्स व्हाई दीज आर लेस एक्टिव टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन. सो यू कैन से जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द फैक्टर इज योर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. So due to electronegativity of CX bond of haloarine, it will less reactive towards SN reactions कम देंगे. ये था आपके पास में सेकेंड फैक्टर. नाउ विल गो विद द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर. सी द मैटर प्रॉपरली, यहां पर्टिकुलर एक शो और कर दे रिएक्टिविटी के लिए. तो 167 पिकोमीटर, यहां मोर रिएक्टिव रिएक्टिविटी towards SN reaction.
So this was about the just two factors as a resonance effect and difference in hybridization state of the carbon atom. We'll meet in the next video with the just last three effect and factor and with the reaction also. पर्टिकुलर इस मैटर को सीरियसली पढ़े, हर एक चीज के कंसेप्ट को क्लियर करें, यही विश्वास जताते रहिए. मैंने आपसे फर्स्ट टाइम यही कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे चलेंगे तो ही कामयाब होंगे. एक एक फंडे को क्लियर कीजिए, विश्वास जताइए, यूं सपोर्ट करते रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया.